दुनिया का कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जो अपनी जर्नी में एक या एक से ज़्यादा फेलियर नहीं फेस किया। आप उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, माय नेम इज सुरेश वंशरमानी, को फाउंडर तजुर्बा, सीरियल एंटरप्रेन्योर, 42 प्लस ईयर्स ऑफ तजुर्बा एक्सपीरियंस, 3 टाइम टेडेक स्पीकर, ऑथर ऑफ 6 बुक्स, प्रेजिडेंशियल अवार्ड। मेरी खुद की कंपनी का एक बहुत सक्सेसफुल IPO 1995 में आया था, जो 300 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था, फॉलोड बाय प्रेसिडेंशियल अवार्ड। तो मैं आज आपसे बात करूंगा कि बिजनेस फेलियर को कैसे हैंडल करें, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर इस जर्नी से गुजरता है और ये मेरा अपना तजुर्बा मुझे लगा कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, फेलियर दो तरह के होते हैं। एक तो जब आप शुरू करते हैं और शुरू करते ही, जिसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े, आप स्ट्रगल से चल रहे हैं, कभी कभी कुछ मिल गया, कभी फिर नीचे चले गए, कुछ मिल गया, फिर गिर गए, फिर उठे, फिर गिर गए, ये तो शुरुआती फेलियर होते हैं। दूसरा फेलियर होता है जो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो जब आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और तब गिरते हैं। और जितनी ऊंचाई से कोई चीज़ गिरेगी तो उतनी ज़्यादा टूटेगी, उतनी ज़्यादा तकलीफ। तो मैं दोनों एस्पेक्ट कवर करूंगा। Part 1 में मैं कवर करूंगा कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप एक स्टार्टअप हैं या छोटे बिजनेस ओनर हैं, बड़े शहर में, छोटे शहर में, किसी भी मुल्क में हैं, कहीं पर भी आप शुरू कर रहे हैं और शुरू करते हुए जो तकलीफें आती हैं उनको भी फेलियर कहते हैं, क्योंकि आप बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, हर गिरने को एक फेलियर मान के चलते हैं। तो जैसे आपने शुरू किया, अब अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैंने जब शुरू किया था 1978 में, एक 20 मशीन लगा के सिलाई की जॉब वर्क शुरू किया था एक्सपोर्टर्स के लिए। अब होता क्या था कि कभी तो एक्सपोर्टर पैसे नहीं दे रहे, कभी काम नहीं है, ये दो तरह की लड़ाई चलती थी। किधर टेलर बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, किराया चल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काम के लिए धक्के खाओ, काम लेके आए तो फिर पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है। अंडर कैपिटलाइज बिजनेस होते हैं शुरू में, पैसे इतने होते नहीं। मुझे याद है एक बार मुझे एक एक्सपोर्टर ने पेमेंट नहीं की। अब मुझे डर लगे, उम्र मेरी कोई 22 साल थी, छोटी सी उम्र थी। उस ज़माने में कोई मेंटर कोचिंग तो होते नहीं थे, यूट्यूब होते नहीं थे ऐसे जो हम सीख सके, जैसे आज आप मुझसे सीख रहे हो। तो उसके चलते मुझे बड़ा डर लगा, यार फैक्ट्री जाऊंगा, टेलर्स के पेमेंट के पैसे नहीं है, मुझे तो बहुत गाली देंगे लोग। तो मैं 2-3 दिन जाके पार्क में बैठ जाता था, बेंच पे सो जाता था, एक्सपोर्टर के पास जाता था, वो पैसे देते नहीं थे। तो आखिर हिम्मत करके टेलर्स के पास गया मैं अपने फैक्ट्री में, मैंने कहा भाई ये एक्सपोर्टर पैसे नहीं दे रहा है। तो बोले चलिए सर हम चलते ना आपके साथ, फिक्र क्यों करते हैं। तो 20 के 20 टेलर मेरे साथ एक्सपोर्टर के, हम लोग घर पे चले गए। बहुत बड़ा बंगला था उसका उस जमाने में, हम लोग तो बहुत छोटे से लोग थे। और वहाँ जब उसके घर गए तो घबरा गया 20 लेबर को देख के, उसने कहा भैया कल आना, पैसे ले जाना। तो अगले दिन हमको पैसे मिल गए। तो इस तरीके की तकलीफें शुरू में जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आती रहती हैं। तो होगा क्या कि जब आप शुरू करेंगे और आप मार्केट में उतर रहे हैं तो बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे, कई बार पैसे खत्म हो जाएंगे, कई बार ऑर्डर नहीं होंगे, कई बार काम नहीं होगी, कभी टीम नहीं मिलेगी। इनको मैं फेलियर नहीं मानता हूं, ये एक लर्निंग फेज है। इसमें आप अगर डीट की तरह टिके रहेंगे ना कि करना है या मरना है, करना है या मरना है, यही सोच के चलेंगे जब, तो आपको धीरे धीरे करके हर फेलियर के साथ एक लर्निंग आती जाएगी। अगर मार्केटिंग नहीं चली या सेल्स कन्वर्जन नहीं हुई तो हर फेलियर के साथ, हर रिजेक्शन के साथ आप सीखते चले जाएंगे कि ये सेल्स कन्वर्जन क्यों नहीं हुई, अब इसको और बेटर सेल्स पे इसको करता हूँ। कोई प्रोडक्ट में कमी बताई, फीडबैक लेके प्रोडक्ट ठीक किया। कोई सर्विस में कमी बताई, फीडबैक लेके सर्विस पे अपने फीचर्स ऐड किए। तो इन छोटे छोटे फेलियर से आप सीखते हुए, जैसे थॉमस एडिसन साहब के लिए कहते हैं कि 10,000 बार उनसे बल्ब गलत बना तब एक सही बना। एडिसन साहब ये बोले कि 10,000 तरीके ऐसे पता लगे ऐसी गलतियां कैसे हो सकती हैं जिसमें बल्ब गलत बनता है और सही कैसे बनाया जाए। तो 10,000 उनकी लर्निंग हुई तब एक बल्ब सही बना। तो ऐसे ही हम हर फील्ड में अपने बिजनेस के, जब हम बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, फाइनेंस से लेके, HR से लेके, टीम से लेके, और प्रोडक्ट मार्केटिंग सेल्स, इन सब चीज़ों को समझते हुए हम एक एक मुश्किल को, हर्डल को पार करते हुए, और एक दिन ऐसा आता है आप एस्टैब्लिश हो जाते हैं, आपके पास फंड्स भी आ गए, टीम भी आ गई, अच्छे ग्राहक भी आ गए और आपका काम चल निकला। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो 1978 में मैंने शुरू किया और समझिए 86 तक मैं ऐसे ही गोते खाता रहा और आखिर मुझे तैरना आ गया। और 86 में मैं पहली बार US गया, एक बहुत बड़ा क्लाइंट मिला, बस उसके बाद तो निकल पड़ी
पहला साल 8 लाख, दूसरे लाख 80 लाख, तीसरे साल 8 करोड़, अब हम सक्सेसफुल हो गए। सो ये जो पहला पार्ट है आपका स्ट्रगल का पीरियड, ये 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल कुछ भी चल सकता है। हो सकता है बीच में आपको लाइन चेंज करनी पड़े, कोई POC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपका अच्छा ना चले, तो आपका ये नहीं चल रहा चलो ये ट्राई करते हैं, तो इस ट्राई में कुछ साल निकल जाएंगे, लक होगी 3-4 साल में सक्सेस मिल जाएगी, और नहीं हुई तो 7-8 साल भी लग जाएंगे, लेकिन मिलेगी जरूर। ये बात मैं एक बात आपको बता दूं कि कामयाबी मिलेगी जरूर, लगे रहोगे, मैदान छोड़ गए वापस जॉब में चले गए तो यू आर डन, फिर आप जिंदगी भर नौकरी ही करोगे। लेकिन अगर अपना बिजनेस आपको सेट करना है तो ये जर्नी आपको तय करनी ही पड़ेगी। हर कोई, चाहे आज हम यूनिकॉर्न्स की बातें देखते हैं कि हाँ जी इसका बिजनेस तो इतने $1 बिलियन फंडिंग हो गई, लेकिन स्ट्रगल और फाइट यही रहती है। उनके स्ट्रगल थोड़े शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि शुरू में फंडिंग मिल जाती है। आज वो एक आसानी हो गई है कि आपको इकोसिस्टम है, एंजल इन्वेस्टर और बहुत सारी ऐसी फंडिंग मिल जाती है, तो एक जो कैपिटल का झंझट रहता है वो खत्म हो जाता है, बाकी के झंझट बने रहते हैं, वो टीम, वो ग्राहक ढूंढना, वो मार्केटिंग का सही होना, वो सब रहेगा। हाँ, पैसे से थोड़ी आसानी हो जाती कि आपको एक मार्केटिंग नहीं चली, गूगल नहीं चला, फेसबुक नहीं चला, ईमेल मार्केटिंग नहीं चला, कुछ और मार्केटिंग के आपने फंडे लगाए या सब कुछ ही आपने खोल दिया क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, यू आर बर्निंग दैट मनी। लेकिन फाइट रहेगी क्योंकि ऐसा नहीं है जिनको फंडिंग मिली और वो भी कामयाब हो गए, फेल वो भी हुए। तो नाउ अब आते हैं कि जब आप ऊंचाइयों पे पहुंच गए, काम चल पड़ा, अब आपके पास कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ है, अब ट्रेवल कर रहे हैं दुनिया में, वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हैं, अब फेलियर आएगा। पहला तो मैं कहूंगा फेलियर आता क्यों है। नॉर्मली होता क्या एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में, जब इतनी तकलीफ के बाद बहुत सारी सक्सेस आ जाती है, खोपड़ी खराब हो जाती है, अब वहां पर आप थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं क्योंकि अब पैसे बहुत हैं, थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं, थोड़े कामचोर हो जाते हैं, अब आप काम पे लेट जाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा काम कम करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत सोशल लाइफ भी हो जाती है, अब घूमना क्लबिंग सब पसंद आने लगता है, तो वहां से आपकी नजर बिजनेस से हट जाती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली करते रहते हैं, शायद उनके पास मेंटर होंगे या वो कुछ समझदार होते हैं, शुरू में सीख लेते हैं, तो उनको शायद ये फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता, पर बहुत लोग को करना पड़ता है और मुझे करना पड़ा था। तो हुआ क्या, जब हमारा काम बहुत चल गया, अब ऑफिस हो गए वर्ल्ड वाइड, बंगला हो गया, 11-12 गाड़ियां हो गई, बहुत सारे पैसे हो गए, अब हमने आराम से अपना ये काम पे कभी जा रहे हैं कभी लेट जा रहे हैं, बहुत सारी टीम हो गई, सिस्टम प्रोसेस बने नहीं, अकाउंटेबिलिटी बनी नहीं, चोरियां हो रही हैं फैक्ट्री में, जब पैसे की कमी पड़ी बैंक से बोरो कर लिया, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, मार्जिन्स पे ध्यान नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट पे ध्यान नहीं है, नेट प्रॉफिट पे ध्यान नहीं है, धीरे धीरे मार्जिन घट रहे थे, कंपटीशन बढ़ रहा था, क्योंकि शुरू में जब हम गारमेंट इंडस्ट्री में गए थे तो बहुत सारा प्रॉफिट था, तो बहुत से लोग आ जाते जब इंडस्ट्री में प्रॉफिट होता है, तो जब इतनी भीड़ लग जाती तो कंपटीशन बढ़ता है, प्राइस कम होते हैं, मार्जिन घटते हैं और खर्चे तो आपके वैसे ही चल रहे हैं। सो वी बिकेम वेरी वेरी टॉप हैवी, बड़ी बड़ी तनख्वाह के लोग आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इंश्योरेंस, पेट्रोल के खर्चे, ट्रैवल के खर्चे, तो एक तरफ खर्चों की मार पड़ी है, दूसरी तरफ से प्रॉफिट नहीं है, तो ऐसे चलते धीरे धीरे करके एक बिजनेस घाटे में आना शुरू हो गया। सो इस तरह की सिचुएशन में जब आप फंसेंगे कि बिजनेस डाउन जा रहा है, आपने इनोवेट नहीं किया मार्केट के हिसाब से, जैसे बहुत बड़ी कंपनियां भी नहीं कर पाती कई बार, ये कोडेक नहीं कर पाया, नोकिया नहीं कर पाया, ब्लैकबेरी नहीं कर पाया, हम लोग तो उनके सामने बहुत छोटे लोग थे, उतनी पढ़ाई लिखाई, उतनी टीम नहीं थी, लेकिन काफ़ी बड़ा बिजनेस कर लिया था। तो जब इस तरह का फेलियर आता और आप फेल हो गए, बिजनेस बंद हो गया, अब आपको लोगों के पैसे देने हैं, बैंक के पैसे देने हैं, तो क्या करेंगे? तो हमारे साथ भी ये हुआ। और दूसरी एक बेवकूफ़ी दिमाग में आती है कि खर्चे आदमी बहुत बढ़ा लेता, तब आप पैसे की इज्जत करना बंद कर देते हो, और जब आप पैसे की इज्जत करना बंद करते हो तो पैसा आपके पास टिकता नहीं है। जैसे एक दोस्त की इज्जत, एक रिलेशनशिप की इज्जत आप बंद कर दोगे करना, वो टिकेगा नहीं आपके पास। तो यही हुआ क्योंकि खर्चे अनाप शनाप, एक बस भर के हम सारे दोस्तों रिश्तेदारों को लेके जाते थे, चलो जी आज नैनीताल चलते हैं, एक आधे को तो मैं अमेरिका भी ले गया। तो इस तरीके के फालतू खर्चे कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में डेंट डालते रहते हैं। तो ऐसे अनाप शनाप खर्चों के चलते ऊपर से मार्जिन कम हो गए, घाटे बढ़ते जा रहे हैं, तो फाइनली जब एक लिमिट आ गई, खड्डा बहुत बड़ा आ गया, तो
बिजनेस बंद करना पड़ा। और ऐसा बहुत लोग के साथ होता है, या कई बार कोई बड़ी पेमेंट डूब जाती, बड़े कस्टमर डूब जाते हैं, तो वहाँ बिजनेस बंद हो जाते हैं। अब आपका बिजनेस बंद हो गया और बहुत बड़ा फेलियर, आप बहुत ऊपर से गिरे हैं, अब लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, कोई आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस कर रहा है, कोई आपके ऊपर पुलिस लेके आ रहा है, कोई गुंडे लेके आ रहा है। अब उस सिचुएशन में दो ही रास्ते हैं, पहला लंदन भाग जाओ, दूसरा फेस करो। तो हमने क्या किया, सब सप्लायर्स को बुलाया, भाई अब हम काम बंद कर रहे हैं, हमें नुकसान हो गया और इस काम में हमें दिख नहीं रहा आगे फ़ायदा, तो सेटलमेंट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने जो एसेट थे, फैक्ट्रीज थी, बेच बात के उनको सेटल कर लिया। अब हमारे पास रह गया था बैंक और हमारे पास था घर और वो बैंक के पास कोलेटरल था। तो हमने बैंक को बोला कि थोड़ा टाइम दीजिए, रिस्पेक्टफुली हम मकान बेच के आपके पैसे चुका देते हैं, ऑक्शन मत कीजिए, थोड़ी समाज में बेइज्जती होगी। तो बैंक ने मान लिया और हमने मकान बेच के बैंक भी निपटा दिया। तो एक तरीके से स्लेट क्लीन हो गई और कुछ साल लगे, बाउंस बैक तो हमेशा बढ़िया होता है, बिकॉज नाउ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम विजडम एंड एक्सपीरियंस। तो जब भी आपके सामने फेलियर आए, शांति से बैठिए, ठंडे दिमाग से बैठिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, छुपिए नहीं, लोगों से बात कीजिए, टाइम लीजिए। अगर आपको अपने बिजनेस में दम लगता है तो उसको रीस्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, और ये गलती हमसे हुई, हमारे को 25 साल गारमेंट एक्सपोर्ट में हो गए थे, अगर हम वही वापस शुरू करते तो ये थोड़ी जर्नी जो हमें 10-12 साल लग गए बाउंस बैक करने में, ये 1-2 साल में ठीक हो जाते। हम सप्लायर्स को बोलते कि हाँ थोड़ा थोड़ा करके आपको देते रहेंगे, हमें काम करने दीजिए, बैंक से भी ऐसे ही कुछ सेटलमेंट कर लेते, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता 2-3 साल में। कहते हैं ना, डोंट कट द ट्री इन द विंटर, जब बर्फ पड़ी होती पेड़ सूख जाता है, हम समझते हैं पेड़ मर गया है और उसको काट देते हैं। वापस से जब बसंत ऋतु आती है, पेड़ में नई नई पत्तियां आती हैं, पेड़ फिर फल फूल जाता है। तो बिजनेस में भी दोस्तों ऐसा ही है कि हम समझते हैं डेड हो गया, कई बार होता नहीं है डेड। तो ये ध्यान करिएगा कि आपकी लाइन में आपको तजुर्बा है, आपका बटुआ अगर अपने घर के आसपास गिरा है तो वहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा। तो अगर आपने जिस बिजनेस में पैसे गंवाए हैं और उसमें चांस है तो वो चांस जरूर लीजिएगा, क्योंकि लाइन चेंज करने में पिछला सब एक्सपीरियंस जीरो हो जाता है। इस समय ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि उस काम में स्कोप है, क्या दूसरे लोग अभी भी सक्सेसफुली कर रहे हैं, सिर्फ आप ही हिम्मत हार गए, आपकी गलतियों की वजह से वो काम फेल हुआ है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, इसको दोबारा ध्यान से सुनिएगा, क्या उस काम में अभी भी स्कोप है जो आप कर रहे हैं, सिर्फ आपकी गलती की वजह से आप फेल हुए हैं, तो उसको एनालाइज कीजिएगा। तो फिर आप सप्लायर से और सबसे बात करके हाथ जोड़ के भैया थोड़े थोड़े करके देते रहेंगे, अपनी ऑनेस्टी दिखाइए, अपनी ईमानदारी दिखाइए, थोड़ा उछलेंगे कूदेंगे, लोग शोर मचाएंगे बट ठीक हो जाते हैं। जब उनको ये उम्मीद हो जाए कि आज नहीं कल पैसे मिल जाएंगे तो कोई शोर नहीं करता ज़्यादा। तो इस तरीके से आप काम को धीरे धीरे करके दोबारा इस्टेब्लिश करें। और इस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी मोटिवेशन हाई रखें। जैसे मैं जब इस टाइम में परेशानी में फंसा था तो एक किताब बहुत पढ़ता था, टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू, रॉबर्ट शुलर की किताब है, टफ टाइम्स नेवर लास्ट टफ पीपल डू, मजबूत लोग हमेशा जीतते हैं, टफ टाइम नहीं जीत सकते आपके सामने, मुश्किल आपसे जीत नहीं सकती। ग्रो बिगर देन योर प्रॉब्लम, मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी फंस जाओ तो एक कागज उठाएं, एक छोटा पेड़ बनाएं, एक बड़ा पेड़ बनाएं, छोटे पेड़ पे लिखें प्रॉब्लम, बड़े पेड़ पे लिखें मैं। तो आप जब प्रॉब्लम से बड़े हो जाएंगे तो ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ आपको तकलीफ नहीं लगेगी। तो उस टाइम अपनी मोटिवेशन हाई रखनी है, मेरे वीडियो देखें और भी मोटिवेशनल वीडियो देखें, किताबें पढ़ें इस तरह की, ताकि आप हमेशा एक अच्छे एनवायरमेंट में रहें। अगर आपके आसपास का एनवायरमेंट नेगेटिव है, क्योंकि उस टाइम बहुत से लोग आपको ताने मारने लग जाएंगे, यार तो बेवकूफ़ था यार, ऐसा क्यों किया, तो उससे थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि वो बार बार आपको ड्रैग करेंगे। तो जितना दूर हो सके, आपके अगर बस में हो तो उससे दूर हो जाएं और एक अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें। क्योंकि याद रखिएगा, बाउंस बैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन फर्स्ट फेलियर। मेरा एग्जांपल ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिन्होंने लाइफ में फेलियर से निकल के उससे बड़ी सक्सेस हासिल की। तो आज के इस वीडियो का आपके लिए सबसे बड़ा लेसन है, जितना बड़ा फेलियर उससे बड़ी सक्सेस। तो हर फेलियर को सॉल्यूशन सेंट्रिक माइंड से देखिए,
पॉइंट्स बनाइए कि मैं इसमें से कैसे निकल सकता हूँ, मेरे लिए क्या क्या रास्ते हैं निकलने के। मैंने आपको समिंग अप करूँ तो दो पहलू बताए। एक, जब शुरू के फेलियर होते हैं, आप शुरू कर रहे हैं, वो एक अलग तरह का लर्निंग फेज होता है, उन फेलियर्स को कैसे देखना है। जब आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, वहां अपने पैसे संभालने हैं, अपने बिजनेस को संभालना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, कंप्लेसेंट नहीं होना है, और फिर भी कोई मार पड़ती है, कई जगह आपका बस नहीं होता, जैसे कोविड में कई ट्रैवल बिजनेस बंद हो गए, रेस्टोरेंट बिजनेस बंद हो गए, तो उस पर आपका बस नहीं चलता है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो शांति से बैठें और ठंडे दिमाग से सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। सेम बिजनेस करना है या कुछ और रीस्टार्ट करना है, पिवट करना है, या ये लाइन जब शुरू होगी इसको भी करना है, इससे सीख के कुछ और साथ में दो बिजनेसेस कर लेने, मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से आप इस लाइफ में, एंटरप्रेन्योर की एक ज़िंदगी में नेविगेट करते रहेंगे। एंड मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छा है, तो जब भी आप कहीं फंस जाएँ तो वो याद करिएगा, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। थैंक यू।